कि हम हर जिले, हर घर, कस्बे पर, हर राज्य पर बारीकी से निगरानी रखेंगे। हॉटस्पॉट जो जगह जहां पर कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, वहां पर हम रियायत दे सकते हैं, लेकिन ये समीक्षा होगी 20 अप्रैल तक लगातार, उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ इस अग्नि परीक्षा में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हम सबको एक साथ लड़ना है, किन किन बड़ी बातों का जिक्र, उन 7 सूत्रीय मांग क्या थी, सुनवाते हैं आपको। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। और हमारे साथ गाजियाबाद से अखिलेश राय हैं, दिल्ली से रजनीश हैं, नोएडा से जितेंद्र हैं, लखनऊ से समर्थ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, मैं आपके पास आ रही हूं। पहले लक्ष्मण रेखा अभी भी बनी हुई है, 3 मई तक ये लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। 3 मई तक लॉकडाउन है और सोशल डिस्टेंसिंग का उसी तरह पालन करना है। केशव और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केशव पटना से, गुरसिमरन जम्मू से। केशव, पहले आपके पास आ रही हूँ।